हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्रेम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत और विश्व में प्रथम महिला। ठीक है, भारत में प्रथम महिला पूछा ही जाता है, साथ साथ विश्व में जो पूछी जाती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी जो हम कवर करेंगे इसमें साथ में। ओके, भारत के हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन विश्व की जो प्रथम महिला है वो हम सिलेक्टेड जो पॉइंट्स है सिर्फ वही करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है या पहले जो है पूछी गई है, सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, देखने को एक ज़रूर मिलता है, भारत और विश्व का प्रथम महिला या पुरुष का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम सिर्फ महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, महिला राज्यपाल, महिला मुख्यमंत्री, महिला सांसद और राज्यसभा उपसभापति कौन रहा। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बनी थी अगर हम महिला में अगर बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, मीरा कुमार बनी थी। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो रही वो कौन रही, सरोजिनी नायडू। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो थी किस राज्य की जो थी राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की जो है ये राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा। आगे है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनी थी पहली, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अब इसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि जो सुचेत मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वो किस राज्य की बनी, तो वो भी यूपी की ही बनी थी, राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी, दोनों जो है याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है प्रथम महिला सांसद कौन थी, प्रथम महिला सांसद, तो अगर हम बात करें प्रथम महिला सांसद की तो वो थी राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, फिर आता है प्रथम राज्यसभा उपसभापति। देखिए लोकसभा का तो हम पढ़ चुके, प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी वो कौन बनी थी, मीरा कुमार बनी थी। अब राज्यसभा अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है या राज्यसभा उपसभापति सॉरी, कि भारत की जो थी पहली राज्यसभा उपसभापति कौन बनी, तो वायलेट अलवा, ये इंपॉर्टेंट है वायलेट अलवा वाला, ठीक है याद रखिए। अब महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री इंदिरा सिंह, लोकसभा मीरा कुमार, राज्यसभा वायलेट अलवा। ठीक है, फिर महिला राज्यपाल की अगर बात आई तो सरोजिनी नायडू यूपी की, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी होगी ये भी यूपी से। ओके, और प्रथम महिला सांसद पूछा जाए तो राधाबाई सुब्बारायन। तो भारत के ये जो मेनली जो संसद की जो टर्म होती है वो सारी हमने कवर कर ली है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संसद। ठीक है, तो ये सात के सात पॉइंट जो है ये हमारी संसद से रिलेटेड कह लीजिए, लोकसभा या राज्यसभा जो भी है, राजनीति जो है उससे रिलेटेड जो है ये सात टर्म जो है हमारी हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन बनी, तो पहली महिला जो आईएएस बनी थी वो थी अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज। और ये जो हम पढ़ रहे हैं भारत में प्रथम महिला, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, प्रथम महिला आईपीएस भी जो है बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, कौन है, कौन बनी थी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, किरण बेदी बनी थी, किरण बेदी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी वो कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर जो थी पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी। आगे है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो है आज तक मुख्य न्यायाधीश कोई भी लेडीज नहीं बनी है, बट आई थिंक आगे चांस है कि इस बार जो अगली वाली बनेगी उसको किसी मतलब किसी लेडीज को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन आज तक जो है कोई नहीं बना है। सिर्फ यहाँ पे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वो कौन थी। ठीक है,
तो याद रखिए अभी तक जो चीफ जस्टिस है वो नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला, ओके। तो वो थी एम फातिमा बीबी जो पहली जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, एम फातिमा बीबी। फिर है किसी हाई कोर्ट की प्रथम महिला, हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी, तो वो थी लीला सेठ। और ये किस राज्य की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी, ये बनी थी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। अगला है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये पहले। किसको मिला था सबसे पहले अशोक चक्र, नीरजा भनोट को मिला था, ठीक है। अगला है यूएन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, ये भी पूछा जा चुका है, कौन है यूएन की प्रथम प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब जिसको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था जिस भारतीय महिला को, वो कौन थी, मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा को मिला था। आगे है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो जो एवरेस्ट शिखर पर पहली बार पहुंची थी वो थी बछेंद्री पाल। और एक और था, एक और आता ना यहाँ से, एवरेस्ट शिखर पर दो बार पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव, ठीक है। तो जो दो बार पहुंची एक साथ वो संतोष यादव, और जो सबसे पहले पहुंची वो थी बछेंद्री पाल, ओके। फिर मिस वर्ल्ड पूछा जा सकता है कि पहली महिला भारत की जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो वो थी रीता फारिया, रीता फारिया। और यही अगर मिस यूनिवर्स में पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है सुष्मिता सिन्हा, सुष्मिता सिन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी भारत में, तो भारत रत्न जिसको सबसे पहले दिया गया था वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी से और क्या पढ़ा हमने, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी वो भी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ जिसको मिला सबसे पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ये मिला था आशा पूर्णा देवी को, आशा पूर्णा देवी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ये मिला था एन लैम्सडीन को, एन लैम्सडीन, इन्हें जो है सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था। फिर अब वायुसेना में जो पहली महिला पायलट थी वो कौन बनी, हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल, ओके। ये दो क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं आज तक एग्जाम में, बट आप याद रखिए, एक 21वां और एक 22वां, ठीक है, मे भी पूछा गया हो बट मैंने किसी एग्जाम में इनको नहीं देखा अभी तक, ठीक, हो सकता है पूछा गया हो, पर याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये अर्जुन पुरस्कार और वायुसेना। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो थी कल्पना चावला, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कल्पना चावला वाला। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, भानु अथैया, भानु अथैया को जो है सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जो गांधी मूवी आई थी उसके लिए, ठीक है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग था उसके लिए जो था इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकित प्रथम महिला, यह भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्यसभा सदस्य के लिए जैसे सबसे पहले नामांकित किया गया था वो थी नरगिस दत्त, ठीक है, नरगिस दत्त। अगला है ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली, ठीक है, पदक का नाम दिया गया, जो सबसे पहले जो पदक जीता था ओलंपिक में वो किसने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला है वो कौन है, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू, ठीक है। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, तो जिसे जिसे साहित्य अकादमी मिला था सबसे पहले वो थी अमृता प्रीतम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अमृता प्रीतम वाला। और भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी, और ये भी आता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था, तो देविका रानी, दोनों का ये आंसर होगा देविका रानी, ठीक है, ओके। एक और जो क्वेश्चन यहां से रह गया है वो और मैं बता देती हूँ आपको, जो आता है लास्ट जो पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी, नीता अंबानी, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी इसमें याद रखिएगा, ठीक। एक और इसके अलावा जो पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल
तैर कर पार करने वाली महिला, पहली महिला इंग्लिश चैनल बोला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली, ठीक है, पार करने वाली तो कौन थी? आरती साहा थी, आरती साहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, तो बस इसको आप याद रखिएगा। तो एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली कौन थी? संतोष यादव थी, ठीक है। ज्ञानपीठ से पुरस्कार से हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। अर्जुन और राजीव गांधी, देखिए अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी दोनों ही खेलों के लिए दिए जाते हैं, और राजीव गांधी गांधी जो वो पुरस्कार होता है खेलों का, वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और ये दोनों ही पुरस्कार अकेले जिस महिला को सबसे पहले मिले वो थी कुंज रानी, ठीक है, जिसको क्या किस नाम से जानते थे? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। ये क्वेश्चन भी आता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुंज रानी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें याद रखिएगा, ठीक। ऐसे और भी हैं, प्रथम महिला सर्जन कौन थी, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं पे फोकस रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ओके। तो यही सब जो है पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम विश्व में प्रथम महिला। देखिए सबसे पहला पूछा गया है पहली महिला प्रधानमंत्री, ये किसी भी देश की पूछा गया है, मतलब जो वर्ल्ड में जो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी, ठीक है। तो वो थी श्रीमाव भंडार नाइके। क्या नाम था उनका? श्रीमाव भंडार नाइके, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, श्रीमाव भंडार नाइके, ये जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी बनी थी, श्रीमाव भंडार नाइके। या आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं कि महिला प्रधान ने भंडारा करवाया, ठीक है, महिला प्रधान ने भंडारा करवाया, ठीक है। तो श्रीमाव भंडार नाइके जो है पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी, ओके। चलिए अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये बनी थी श्रीलंका की, श्रीमाव श्रीलंका की थी, ये याद रखिए, श्री श्री करके आप याद रख सकते हैं, और प्रथम महिला ने भंडारा करवाया, ठीक। अगला है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्गरेट थैचर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, मार्गरेट थैचर वाला, याद रखिए पहली महिला प्रधानमंत्री वहाँ की कौन थी? मार्गरेट थैचर थी, ओके। अगला है किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो बेनजीर भुट्टो बनी थी। कहाँ की बनी थी? पाकिस्तान की बनी थी, ठीक है, पाकिस्तान की। अगला है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, पहली महिला किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो थी मारिया एस्टेला पिरोन, मारिया वेट एस्टेला पिरोन। और ये किस देश की जो थी राष्ट्रपति बनी थी? अर्जेंटीना की बनी थी, अर्जेंटीना की, ठीक है। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, जैसे कि ये DSSB के एग्जाम में पूछा भी गया कि पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो थी जुन्को ताबेई, जुन्को ताबेई। और ये किस देश की थी? जापान की रहने वाली थी, ठीक है। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, ये विश्व की ही बात हो रही है, तो जो विश्व में सबसे पहले दिव्यांग महिला एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा कहाँ से बिलोंग करती हैं? भारत से, ठीक है। और भारत में वैसे कौन सबसे पहले चढ़ा था एवरेस्ट पर, तो वो थे बछेंद्री पाल। दो बार कौन चढ़ा? संतोष यादव, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप जो इसमें याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं, अगला देखिए, अगला है अंटार्कटिका पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी, तो वो बनी कैरोलिना मिकलसन, कैरोलिना मिकलसन, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला, तो ये थी गेरट्रूड एडरली, गेरट्रूड एडरली। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इंग्लिश चैनल पर जो है गैर जरूरी ऐड आती हैं, इंग्लिश चैनल पर गैर जरूरी ऐड जो है आते हैं, तो गेरट्रूड और ऐड से एडरली हो जाएगा, तो याद रख सकते हैं इंग्लिश चैनल पर गैर जरूरी ऐड आती हैं, ठीक है। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। अब इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार दो बार प्राप्त करने वाली महिला, या नोबेल पुरस्कार पहली बार प्राप्त करने वाली विश्व में पहली महिला कौन थी, तो वो थी मैरी क्यूरी। और भारत में किसको मिला था सबसे पहले? मदर टेरेसा को, ठीक है।
महिलाओं में अगर हम बात करें तो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी वो कौन बनी, रोजालिन हिंगिस बनी थी, रोजालिन हिंगिस, ठीक याद रखिएगा। चलिए बस यही चीजें इसमें आपको याद रखनी है। एक और आता है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सात प्रमुख सागर पार करने वाली महिला, जिसने सात प्रमुख सागर पार किए वो है बुला चौधरी, बुला चौधरी, ये याद रखिए ठीक। तो ये लास्ट था, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, विश्व में और भारत में प्रथम महिला। ओके थैंक यू सो मच।